गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स हैव फन ऑन सैटरडे। टुडे इज़ अ आर्ट डे, सो वी विल डू आवर पेज नंबर 4 and 5 फ्रॉम आवर स्टेप बाय स्टेप बुक। वी हैव डन पेज नंबर 2 and 3। टुडे लुक एट योर स्क्रीन, इट इज़ अ रेक्टेंगल पार्ट। इन द प्रीवियस वी हैव ड्रॉ स्क्वेयर, नाउ वी विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, एक फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल बनाया है। उसके बाद रेक्टेंगल, जैसे मैंने आपको एक स्क्वायर बनाकर उसमें एक और स्क्वायर बना के उसमें क्यूब बनाया था है, लास्ट टाइम हमने डाइस भी ड्रॉ किया था, तो आज हमने इसको रेक्टेंगल बनाकर इसमें इसको क्यूबॉइड बनाना है। उसके बाद ये हमारी एक अलमीरा की शेप दी हुई है, आप देख सकते हैं। इन्होंने हाफ पिक्चर हमें ड्रॉ करके बताई है। आपने इसका क्या करना है, इसके अंदर बाकी का जो पार्ट रह गया है, जो सेंटर में आप देख सकते हैं बीच में एक पार्ट खाली है, इसके ऊपर आपने एक फिर रेक्टेंगल बनाना है। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल कैसे बनता है। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एक छोटा सा इसका एक हैंडल और एक छोटा सा इसका लॉक बनाना है और लास्ट में आपने नीचे इसके स्टैंड बनाने, यानी इसके पैर बनाने हैं, क्योंकि अलमीरा का एक स्टैंड होता है नीचे जिसके ऊपर वो खड़ी होती हैं। तो आपने इस अलमीरा को कंप्लीट करना है और उसमें अपने पसंद से कलर करने हैं और आपको क्रेयोन कलर ही यूज़ करने हैं। डोंट यूज़ ऑयल पेस्टल कलर और जो आपके ये स्केच कलर होते हैं आपने यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ आपने क्रेयोन कलर ही यूज़ करने हैं। और कलर्स का ध्यान रखना है कि बाहर ना निकालें, साफ साफ पिक्चर को ड्रॉ करें। अब पेज नंबर 5 पर देखिए, लुक एट द गिवन पिक्चर, ड्रॉ एंड कलर एनी वन ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। इसके दोनों साइड में पिक्चर दी हुई है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी इनमें से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड वाली पिक्चर ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं राइट साइड में, तो ये एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की तरह बनाएगी। थोड़ा इजी है, अगर आप ये बनाएंगे तो आपको समझ भी आएगा, जो आपने EVS में पढ़ा है ना, तो ये भी बहुत इजी है। पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और फिर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको क्यूबॉइड की तरह जोड़ना है, लॉन्ग में सीधा खड़ा करके बिल्डिंग को ये बनाना है। अगर ये बनाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी है और आपको समझ भी आएगा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कैसी होती है। तो आज आपने ये ड्राइंग के 2 pages कंप्लीट करने हैं और मुझे WhatsApp पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू।